स्टूडेंट्स, हरिओम एलपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी कड़ी में अपन बातचीत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिस टॉपिक का नाम है अपने साइबर सिक्योरिटी अर्थात साइबर सुरक्षा। देखिए, सबसे पहले जो अपन ने इससे पहले जो वाले टॉपिक पढ़े थे और उसके बारे में जो बातचीत की थी, उसके दरमियान सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है वो रहता है आपके सोचने और समझने की तर्क क्षमता, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसका नियमित रूप से अध्ययन करें। तो देखिए, अब अगर अपन को बातचीत करते हैं तो टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं। टॉपिक का नाम है साइबर सुरक्षा। देखिए, अगर इसका नाम है, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, सुरक्षा का अर्थात सिक्योरिटी, अंग्रेजी माध्यम में यदि बातचीत की जाए, साइबर से तात्पर्य साइबर सुरक्षा। यह सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसे गोपनीय भी कह सकते हैं और प्रत्येक ब्रांच इसकी अलग अलग रूप में होती है। आइए बातचीत करते हैं। वैसे में अगर अपन एक सिंपल तरीके से देखते हैं तो सुरक्षा के अंतर्गत भारत में उपयोग होने वाला सबसे ज़्यादा है वो है आपके इंटरनेट, और इस इंटरनेट तकनीक के माध्यम से आज हमारा भारत पूरे विश्व में तीसरे पायदान पर खड़ा है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि यूज़कर्ता और इसको डिज़ाइन करने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाले औजार और इसमें समय पर काम करने वाले वैज्ञानिक तथ्य। देखिए, अब भारत इंटरनेट का उपयोग करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश हो चुका है और प्रत्येक व्यक्ति इस देश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा, जिसे कहा जाए तो, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने आप को सबसे अधिक सुगम एवं मनोरंजक बनाने के लिए कार्य करता है। जिस प्रकार की कहीं ना कहीं रूप से इंटरनेट से यह देश जुड़ा हुआ है और देश और विदेश की खबरें इस देश को हमेशा मिलती ही रहती है और कनेक्टिविटी हमेशा इस देश के अंतर्गत रहती है, और इसी रूप के लिए साइबर सुरक्षा के बारे में हम सबको जानकारी विशेष रूप से अति आवश्यक है। सबसे पहले अगर जानकारी की बात की जाए और साइबर सुरक्षा को अगर समझना हो तो उसके लिए हमें, देखिए, सुरक्षा का अर्थ होता है यूज़र के डाटाबेस तथा सूचनाओं का साइबर खतरों जैसे साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध तथा साइबर जासूसी का होता है और उससे हमको सुरक्षा प्रदान करता है। और इसी दरमियान अगर बातचीत की जाए तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इसका तात्पर्य मैं आपको शुद्ध रूप से स्पष्ट कर देता हूँ कि साइबर सुरक्षा का अर्थ यूज़र के डेटाबेस से है और इस डेटाबेस के अंतर्गत आतंकवाद और उसी के साथ साथ युद्ध और उसी के साथ साथ जासूसी, ये सारे के सारे जो कार्य है वह इसके अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में इंटरनेट से जुड़ा हर व्यक्ति अपनी जानकारियां तुरंत उपयोग के लिए, आपको पता होगा, विभिन्न प्रकार के ऐप पर और उन ऐप का संपर्क होता है इंटरनेट के माध्यम से, तो इंटरनेट के माध्यम पर रहता है, और जिस कारण
विभिन्न कंपनियों के द्वारा और प्रोडक्ट के द्वारा साइबर सुरक्षा का खतरा सबसे अत्यधिक बढ़ जाता है। और इस दरमियान अगर अपन को कोई बातचीत करने की आवश्यकता है तो वो उसके अंतर्गत रहता है कि साइबर सुरक्षा किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसी का एक अलग से पार्ट बन चुका है। और उस पार्ट के दरमियान अगर मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देकर के समझाता हूँ, तो यदि अपना जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के अंतर्गत आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है बातचीत करने का, जो उसके अंतर्गत ये रहता है कि हमारे सिस्टम के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का नेट प्रोटेक्ट या फिर विभिन्न कंपनियों के जो है प्रोटोकॉल रहते हैं, उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसका नाम होता है एंटीवायरस। उस एंटीवायरस के अंतर्गत क्या होता है, इस पूरे सिस्टम की सुरक्षा उस एक छोटे से ऐप एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत एंटीवायरस के अंतर्गत वो सिस्टम रहता है। और इस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, जैसे ही आप अपना सिस्टम ओपन करते हैं, उसको ऑन करते हैं और तुरंत प्रभाव से ऑन करते हैं, और उस ऑन के दरमियान जैसे ही आप अपना सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो विभिन्न प्रकार की साइटों पर और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर रन हो जाता है, जिसके माध्यम से आपका सिस्टम हैंग हो जाता है और वो डाटा अपने अंदर लेने की क्षमता रखता है। साइबर सुरक्षा किसी भी देश की सुरक्षा का अभिन्न होता है, क्योंकि सभी देश का अधिकांश डाटा, जैसे जनता का या फिर कोई निजी जानकारी जिसे कहते हैं अपन पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे जो क्या रहते हैं ऑनलाइन रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यदि कोई व्यक्ति इन सोशल प्लेटफॉर्म्स का अगर यूज करता है तो उसके अंदर का सबसे इम्पोर्टेंट जो बात और सबसे इम्पोर्टेंट जो थीम होती है वो होती है आपके फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर आदि की होती है। और इनके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है कि अपने कोई भी निजी जानकारी वो क्या करता है कि इन सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देता है। जैसे अगर व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी घूमने के लिए जाता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, कुछ समय बाद में वो व्यक्ति अपनी कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस को सेव कर देता है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या अपने फेसबुक अकाउंट पर या अपने ट्विटर अकाउंट पर या फिर और भी बहुत सारे जो सोशल प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उनके ऊपर। तो हमें हमेशा इनसे बचना चाहिए और ऐसी कोई भी निजी जानकारी सभी के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जो कि हमें समझनी है। देखिए, जो सूचना सुरक्षा का अवलोकन है उसके अंतर्गत अपन सबसे पहले जो पॉइंट अपने आता है कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो सबसे पहले पॉइंट देते अपन सूचना सुरक्षा का अवलोकन। देखिए, छोटा पॉइंट है, सुनने मात्र से ही आपका काम हो सकता है, लेकिन अपन को इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सूचना सुरक्षा का अवलोकन, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर आपकी आवाज को क्या हो गया। देखिए, अभी आवाज को क्या हो गया, क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है तो हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं कि अभी थोड़ा बहुत पानी वगैरह का मौसम वगैरह का थोड़ा इफेक्ट हो रहा है तो उसके कारण से थोड़ी आवाज के अंदर बदलाव आ चुका है, गला दब चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए हमारे चैनल पर आप और इसी प्रकार लाभ उठाते रहिए। देखिए, सबसे पहले इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती है जिसके ऊपर हम सभी का विश्वास टिका रहता है और विश्वसनीयता हम सबके साथ बनी रहती है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट अपने साथ होता है वो कि सबसे है कि एक फिक्स एबिलिटी रहती है, स्थिरता, और उसी के साथ साथ उपयोगिता भी अपने साथ रहती है। और उसको अगर एक्यूरेसी करनी हो तो प्रमाणिकता के अंतर्गत भी अपना जो रेशियो उसी के अंतर्गत रहता है। देखिए, बातचीत करते हैं इन सभी पॉइंटों के ऊपर और उसी के साथ साथ अपन बातचीत करते हैं इनसे क्या क्या फायदा होगा।
सबसे पहले सूचना सुरक्षा विश्वसनीय स्थिरता उपयुक्त प्रदान करने के लिए अनाधिकृत एक्सेस प्रयोग प्रकटीकरण मतलब कि डिस्क्लोजर संशोधन इत्यादि को रोकती है। सरकारी कंपनियां जिसे कहा जाए मुख्य रूप से गवर्नमेंट्स की जो भी वेबसाइट बनी होती है उसके लिए विशेष रूप से अलग से कुछ व्यक्ति को हायर किया जाता है और वो उनका विशेष रूप से महत्व रखता है, क्योंकि अगर अपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो हो तो फिर क्या करते हैं अपन इधर उधर से फोन करके उनको बुला लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो एक साल का या पांच साल का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसको जो हमेशा उसके अंतर्गत फॉलो करना पड़ता है। तो उसके अंतर्गत कुछ अस्पताल होते हैं, कुछ कर्मचारियों का डाटा भी होता है उपभोक्ताओं का, और कुछ रिसर्चर होते हैं जो कि अपने रिसर्च को जो है विशेष रूप से रखते हैं। तो इन सभी के विशेष प्रयास से ये सफल होते हैं और इन सभी के अंतर्गत इन सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आइए बातचीत करते हैं विशेष रूप से अपन जिसके अंतर्गत की यदि बात करते हैं अपन, सबसे पहले और सबसे छोटा सा पॉइंट एक लेते हैं अपन कि जिसमें सूचना सुरक्षा का सामान्य सिद्धांत रहता है, और सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आपकी बात है आपके CIA, यानी कि इसकी अगर फुल फॉर्म के रूप के अंतर्गत या पूर्ण नाम के रूप के अंतर्गत अगर बातचीत करते हैं तो इसका नाम आता है कॉन्फिडेंटिलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये सभी इसका पूर्ण रूप के अंतर्गत नाम के अंतर्गत अपन इसको जान सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत इस सुरक्षा अवलोकन की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आपके सबसे पहला पॉइंट आता है आपके विश्वसनीयता। देखिए विश्वसनीयता व्यक्ति विशेष रूप से विश्वसनीयता यानी इसे कहा जाए कॉन्फिडेंटली, आपने देखा होगा बहुत से सरकारी दफ्तर या निजी कार्यालय के अंतर्गत एक विशेष रूप से गोपनीय शाखा का निर्माण किया जाता है और इस गोपनीय शाखा के अंतर्गत केवल कॉन्फिडेंटली काम और कॉन्फिडेंटली आदमी ही इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, क्योंकि इनका केवल एक काम होता है कि हमें बिना झूठ बोले विश्वास कैसे दिलवाए और विश्वसनीय काम कैसे करें, तो वो इसके अंतर्गत सबसे अहम भूमिका और सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है उसके कार्य करने के तरीके के ऊपर। अब अपन बातचीत करते हैं, देखिए विश्वसनीय क्या होती है, यह एक प्रकार का नियमों का सेट होता है जो सूचना के एक्सेस को लिमिट करता है या संवेदनशील सूचनाओं को गलत लोगों के पास जाने से रोकता है, और विश्वसनीय की प्रोटोकॉल सुरक्षा को एक्सेस करने के लिए परिभाषित किए गए लेवल पर निर्भर करती है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है स्थिरता। स्थिरता यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं इंटेग्रिटी से है, इंटेग्रिटी से तात्पर्य है कि स्थिरता से हमें आश्वस्त करती है कि दी हुई सूचना हमेशा के लिए सटीक और भरोसेमंद है और इस सूचना का प्रयोग अपन लंबे कार्य के लिए कर सकते हैं। तीसरा है उपयोगिता, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है तो उसके ऊपर अपना ये डिपेंड करता है कि कैसे अपना ये कार्य चल रहा है। अब इसी के साथ साथ अगर अपन बातचीत करते हैं, ये हमें आश्वस्त करती है कि अधिकृत यूजर अब सूचना को एक्सेस करने के लिए कर सकता है, यदि किसी भी अनधिकृत यूजर द्वारा डाटा को नहीं हटाया जा सकता है तो इसके अंतर्गत बातचीत सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पांचवा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रमाणिकता। अपन किसी भी कार्य को करते हैं उसके बाद में उस जो है प्रमाणिकता मतलब ऑथोरिटी का अपन सर्टिफिकेट देते हैं या फिर अपन उसको सील साइन करके एकदम अंतिम मतलब लास्ट परिणाम अपन उसको जो लास्ट रिजल्ट अपन उसको घोषित करते हैं तो वो अपने परिणाम के अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस व्यक्ति की क्या प्रमाणिकता है या फिर
कम्युनिकेट करने का या फिर डॉक्यूमेंट सही है या नहीं वो उसके अंतर्गत होता है। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो है मार्को वगैरह भी लगते हैं और मार्क एक आइडेंटिफाई होता है और उसके मार्क लगने के बाद में पता चल जाता है कि निवासा में कार्य तो सही है और ऑथेंटिक स्प्रेड का काम अपन को लेना चाहिए। तो इसकी पूर्ण रूप से ये एक प्रोसेस है जो कि आश्वस्त करता है कि डाटा ट्रांसैक्शन डॉक्यूमेंट तथा कम्युनिकेशन सही है। यह पार्टियों के वैलिडेशन के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ सूचना सुरक्षा सिस्टमों में प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है जो ये बताता है कि मैसेज अधिकृत यूजर ने किया है या नहीं किया है। ये सारा का सारा इसमें होता है। अब अपन जो है अगले दिन अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगर इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी देखने वाले स्टूडेंट्स कोई भी देखने वाले विद्यार्थी आप किसी भी रूप में कमेंट्स माध्यम के द्वारा आप हमें इसको बता सकते हैं। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर लाइक सब्सक्राइब एवं अधिक से अधिक आप इसको आगे से आगे शेयर करें और अपने मित्रों के कोई कम से कम 5 ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करें। धन्यवाद।